नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। एक सीजीएल मेंस में 2016 में पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ में पूछा गया था 2016 में। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, शशि किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है, तानिया उससे 25% अधिक दक्ष है यानी एफिशिएंट है, वही काम तानिया कितने दिन में पूरा करेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये जो 25% है फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/4 होगा। तो देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, तानिया और शशि दो है, तानिया जो है ज़्यादा पावरफुल है। उस क्वेश्चन के अनुसार ही बोला गया कि तानिया जो है शशि से काफ़ी 25% अधिक दक्ष है। तो देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, अगर सानिया जो है कोई भी काम को चार यूनिट काम करती है तो तानिया जो है 5 यूनिट काम करेगी, ठीक है, क्योंकि वो 25% अधिक शक्तिशाली है। तो ये जो रेशियो आया अनुपात 5:4 है, ये किस चीज़ का अनुपात हमने निकाला, ये हमने निकाला दक्षता का अनुपात, ठीक है, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी हमने निकाल लिया। अब जब एफिशिएंसी हमने निकाल लिया तो आपको पता है टाइम एंड वर्क में जो समय का अनुपात होता है, टाइम का अनुपात होता है, एफिशिएंसी का एकदम रिवर्स हो जाता है। तो टाइम का अनुपात जो हो जाएगा 4:5 के अनुपात में, ठीक है, ये एकदम रिवर्स हो जाता है। देखो हमने एफिशिएंसी निकाला, 4 यूनिट काम अगर करती है, 4 उसकी दक्षता है सानिया की, तो चूंकि 25% अधिक दक्ष है तानिया तो वो 5 यूनिट काम कर रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम जो हमारा रिवर्स हो जाता है, 4:5 हो जाएगा। अब देखो क्या है, अभी ये हमने निकाल लिया दक्षता और टाइम का अनुपात निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, शशि जो है 20 दिन में करती है। तो देखो यहाँ समय क्या है, समय का अनुपात 5 है, 5 की वैल्यू अगर 20 दी हुई है क्वेश्चन में, 20 दिन दी हुई है, कितना गुना हुआ, 4 टाइम्स, तो ये कितना होगा, ये भी 4 टाइम्स होगा, तो 4 टाइम्स कितना हो गया, 4 × 4 = 16 days। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तानिया कितने दिन में पूरा करेगी, तो हमने निकाल लिया तानिया जो है 16 दिन में करेगी, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसी तरह हम बनाएंगे। अब देखिए ये हमने बनाया, अब इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए की क्षमता बी से 20% कम है, बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन है, इसमें 25% अधिक था, इसमें 20% कम है। तो देखो क्या है, 20% यहाँ पे कम दिखाया गया है, 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5, और हमारा एंटिटी क्या है, कौन कौन से, ए और बी है, ठीक है। तो कौन कम है, ए की क्षमता बी से 20% कम है, बी से 20% कम है ए, यानी बी जो है, बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ये ए की एफिशिएंसी 4 है, ये हमें पता चल गई, दक्षता हमें पता चल गया। अब जो टाइम का रेशियो होता है, हमने बताया था यहाँ पे कि टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है, तो ये टाइम हो जाए, टाइम का रेशियो जो हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, यानी ए जो है अगर 10 दिन में करता है, 2 गुना है, तो ये कितना गुना होगा, ये भी 2 गुना होगा, तो 8 होगा, हमारा ये 8 जो है आंसर आ जाएगा, 8 दिन। तो क्या है 8 दिन, सी नंबर आंसर। तो सेम टू सेम हमने बनाया, जैसे ये वाला बनाया हमने, सेम टू सेम हमने ये बनाया। अब एग्ज़ाम में जब आप सॉल्व करोगे तो इतना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मन में बस इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, और मन में कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लोगे। तो देखो ये सीजीएल में पूछा गया, सीजीएल मतलब मेंस में पूछा गया, तो आप सोच लो कि सीजीएल मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि किस मेथड से आप सॉल्व करते हो, एक्स वाई जेड मत करते रहिएगा, उससे आपका समय बर्बाद होगा। तो कैसा लगा दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और सजेशन देना हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़िए, धन्यवाद।